वेलकम बैक टू माय चैनल, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग भाई एक्सप्रेस ढाबा का चाय से शुरुआत हो रहा है। भाई यहाँ का चाय पीकर भाई मूड फ्रेश हो गया। सो अभी गाइस मैं ड्यूटी से घर जा रहा था और भाई मैं सोचा आज ब्लॉग भी बना लूँ घर जाते जाते, और फॉग लैंप लगाया हूँ तो नाइट में अगर राइड करूँगा तो कैसा व्यू और कैसा ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, इसलिए भाई निकला हूँ। साथ साथ भाई बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और काफ़ी सारा भाई लोग बोल रहे थे थोड़ा वीडियो को लॉन्ग करो भाई, शॉर्ट में 4-5 मिनट का डालता हूँ तो ज़्यादा बनाऊँगा सोच रहा हूँ, मिनिमम 7-8 मिनट का बनाऊँ, बट भाई ज़्यादा कोई देखता नहीं है इसलिए ज़्यादा वीडियो को टालता नहीं हूँ। सो अभी भाई दिखाने वाला हूँ अपना बाइक की जो फॉग लैंप है उसका ब्राइटनेस। सो ये रहा भाई वाइट वाला, हाई बीम मारता है वाइट वाला भाई, हाई बीम लाइट मारता है, और येलो वाला है ये भाई लो बीम मारता है, ये भाई लो बीम। इसके बाद जो मारेंगे भाई वो कुछ प्लस है, और ये वाला है जो ये भाई एक लो बीम मार रहा हाई बीम मार रहा दोनों मार रहा भाई, मतलब लो बीम में मार रहा येलो वाला और हाई बीम में मार रहा वाइट वाला, मतलब भाई ये वाला परफेक्ट है अगर कहीं राइड वगैरह में जाते हैं तो ये परफेक्ट लाइट है। अगर भाई वन वे जाते हो तो स्लिप येलो वाला मारो, और यहाँ पे दिल्ली रोड में अगर जा रहा हूँ तो यहाँ पे दो लाइन है, एक इधर और एक वो साइड, तो यहाँ पे आप लाइट मार सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से भाई आगे में कोई बंदा मतलब कोई भी राइडर बाइक कार नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई वन वे में अगर मारते हो तो भाई आगे वाला का भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी ब्राइटनेस देखो गाइस कितना मतलब ब्राइटनेस मार रहा है रास्ता में, अभी कुछ मतलब यहाँ थोड़ा लाइट वगैरह है तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आता होगा, बट अब चेक करो गाइस यहाँ का जो ब्राइटनेस है मेरा फॉग लैंप का वो काफ़ी मस्त लग रहा है। तो मोड चेंज करते हैं, अभी तो ये दोनों मतलब लो बीम हाई बीम दोनों जला रहा हूँ, तो ये है भाई येलो वाला जो कि भाई स्लिप येलो जल रहा है लो बीम पे, और देख सकते हो डबल है मतलब लो बीम हाई बीम दोनों है, और यहाँ पर मिल जाता है भाई हाई बीम जो कि है भाई वाइट वाला। ये भाई मतलब वन वे में चलाते हो ना तो आगे वाला पक्का आपको गाली देने वाला है, क्योंकि भाई ये पूरा डायरेक्ट फेस पे मारता है भाई। नेक्स्ट वाला वीडियो में जो भाई इस लाइट का जो रिव्यू किया था वो मुझे मतलब सेट नहीं हुआ था लाइट परफेक्ट, वो थोड़ा टेढ़ा था लाइट, सही मतलब सेट नहीं हुआ था, जिसके कारण भाई आप लोग को उस वीडियो में ज़्यादा लाइट नहीं समझ आया होगा। वीडियो में प्रॉपर तरह से भाई लाइट फिट किया हूँ और देख सकते हो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है लाइट। मैं भाई उस वीडियो में बताया था 4 मोड मिलता है, बट भाई इसमें 5 मोड है, ठीक है। ये देखो गाइस इसमें भाई जो ब्राइटनेस मिलता है ना सच में भाई बहुत हार्ड, इसमें भाई मन खुश हो जा रहा भाई। ये देखो भाई बहुत 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 ब्राइटनेस मिलता है बहुत। ये भाई अपर डिपर ये सही मुझे लगता है रास्ता के लिए, क्योंकि भाई लो में भी देख सकता हूँ अपर में भी देख सकता हूँ, ये सही है परफेक्ट है। और भाई रोड पूरा फाका है और रात का बज रहा है भाई 8:45 और मैं अभी घर जा रहा हूँ ड्यूटी से। ओ भाई भाई हमको देखकर भाई टान रहा है भाई, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो गाइस, क्योंकि भाई आप लोग कमेंट करते हो तभी मुझे वीडियो का कीड़ा उठता है भाई बनाने का, नहीं तो भाई मैं भी शांत बैठ जाता हूँ, तो कमेंट किया करो नहीं तो भाई मज़ा नहीं आता है। बाइक में मेरा भाई कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जो कि भाई क्या प्रॉब्लम है बहुत बिग प्रॉब्लम आ गया भाई, तो ये वीडियो भाई मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई इस गाड़ी का भाई 2 साल होने वाला है तो प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ क्या क्या बाइक में चेंजेस हुआ है और क्या क्या मतलब अच्छा है खराबी है दोनों बताने वाला हूँ, तो भाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा वो देखना एक बार। देखो यहाँ पे वन वे चल रहा हूँ इसलिए भाई मैं अपर नहीं चलाना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ कि भाई कि कोई का मतलब एक्सीडेंट हो, क्योंकि भाई बहुत हार्ड है भाई। वो कच्चुदा कंट्रोल
कंट्रोल। भाई साहब, भाई अपर डिपर मतलब लाइट मार रही है क्या भाई? ये लेकर भाई दो हो गया भाई, मुझे लाइट से चमका रहा। मैं भाई उन लोग का भला के लिए भाई मैं अपर मतलब डाउन कर लिया हूँ और वो भाई मुझे ही मतलब अपर दिखा रहा है। वाह भैया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मोटो ब्लॉगिंग में भाई कि कोई बढ़िया सा कंटेंट नहीं मिलता है, जिसके कारण भाई माथा गोल हो जाता है। एक दिन में कोई वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाता है भाई, उसके लिए भाई दो तीन दिन तो मतलब पापड़ बेलना ही पड़ेगा, तो जाकर एक मतलब एक बढ़िया सा वीडियो क्रिएट होता है। नॉर्मल ब्लॉग तो भाई मतलब कोई भी बंदा कर सकता है, उसमें भाई मज़ा नहीं आता जब तक कोई एक बढ़िया सा कंटेंट ना आए वीडियो में। ये 25 वाट का है, इससे ज़्यादा वाट का ले सकते हो बट भाई कम सीसी का है तो रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब बैटरी का भाई डर लगता है, आप इसको भाई कभी भी गाड़ी ऑफ करके ऑन ना करो लाइट को, क्योंकि भाई उससे आपका बैटरी बैठ सकता है। तो जब भी आप इसको यूज़ करो लाइट गाड़ी ऑन करके ही फॉग लैंप को यूज़ करना। अभी तक मुझे इस लाइट लगाने से भाई एक ही चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा, वो है भाई हॉर्न का। हॉर्न जब मार रहा हूँ तो भाई आवाज़ देख सकते हो किस तरह का है, मतलब भाई बैठ गया है। कभी कभी तो भाई हॉर्न मतलब लगता ही नहीं है, बहुत लेट से प्रेस हो मतलब आवाज़ निकलता है, प्रेस करता हूँ तो भाई कुछ सेकंड के बाद ही निकलता है आवाज़। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। गाइस, इस वीडियो बनाने का कारण बस एक ही चीज़ था कि अपना लाइट का जो ब्राइटनेस है वो आप लोग को अच्छा से दिखा सकूँ। ये लाइट का भाई मतलब लास्टिंग कितना चलेगा वो तो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई अभी जस्ट यूज़ ही कर रहा हूँ, तो लास्टिंग देखते हैं कितना चलता है। बट भैया ने तो बोला बहुत बढ़िया है और अच्छा काम कर रहा है, सो यहाँ पे बंद कर देता हूँ गाइस। सो गाइस, फाइनली आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा फॉग लैंप का ब्राइटनेस कितना मिल रहा है, 25 वाट का है, और आपको इससे ज़्यादा वाट का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आपका बाइक पे डिपेंड करता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।